हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब भी ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर, जिसमें मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, दो मैंने प्याज ले ली है और कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली है। एक सीटी मैंने मटर में लगा ली है। चलिए अब मैं मसाला पीस बना लेती हूँ पहले। चलिए गाइस, ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें सभी मसाले गिर लूँगी। इतने मेरा तेल गर्म हो रहा है और ये मेरा पनीर है। ये मैंने 100 रुपये का पनीर मंगाया था, तो इसमें नमक मैंने गिर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी इसमें हल्दी गिर लूंगी। ये मेरी बाहर की मिर्च है, इसको भी मैं गिर लूंगी। ये मेरी आधी चम्मच मिर्च है। मिर्च मैंने सिर्फ वही गिरी है और ये मेरा मटर पनीर मसाला है, इसको भी मैं 1 चम्मच के करीब गिर लूंगी। ये मैंने गिर लिया है 1 चम्मच के करीब। चलिए तेल हमारा हो चुका है, अब हम तेल में इसे मसाले को गिर लेंगे। ये देखना है, मसाला मैंने भूनने के लिए रख दिया है। ये मिर्च, ये पनीर में थोड़ा मिर्च लग गई थी क्योंकि मेरे हाथ से मिर्च छूट गई थी। चलिए अब हम इसका पीस कर लेते हैं। और मटर में मैंने 1 सीटी लगा ली है। ये देखिए, कुछ मैंने इसमें कस्तूरी मेथी गिर दी है जिससे और अच्छा सा फ्लेवर आ गया। ना हम मटर देख लेते हैं हमारी गलती या नहीं। ये मैंने कटिंग पीस करके रख लिए हैं मटर पनीर के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत जीरा भी गिर दिया था, वो मैं आपको दिखाना भूल के दे दिया। आपको जीरा नज़र आ रहा होगा इसमें, अच्छा शुरू में थी। ये देखिए मसाला मेरा भून चुका है, अब मैं इसमें पनीर गिर दूँगी। जीरा मेरा पनीर मैं पीस लूँगा। पनीर इसमें गिर दिया था मैंने, अब मैं इसमें मटर भी गिर दूँगी। ये देखिएगा पानी मेरा पहले ही पका हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में इसको और पका लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसको बनाऊँगी। ये देखिएगा मेरी सब्जी बिल्कुल बनकर मटर पनीर तैयार हो चुका है। इसमें मैं हरा धनिया गिर लूँगी। जितना आपको गिरना है आप अपने हिसाब से हरा धनिया गिर दें और इसमें कसूरी मेथी गिर दूँगी। मेरा मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मटर पनीर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।